हाय फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल यूट्यूब में। और हम आज गुवाहाटी से करीमगंज जाने वाला है, जैसे कि आप सबको लास्ट वीडियो में बताया था और टिकट भी ले लिया था। आप सब जो देखा है, अभी शाम का 6:30 बज रहा है और हम जो रैनो ऑपरेटर का टिकट लिया हुआ है उसी में जाने वाला है। ये देखिए, और ये ISBT में हम है, यहाँ का देखिए बस इतना सारा बस है, वो दिमाग खराब हो जाता है यहाँ का बस देख के। यहाँ 68 काउंटर है, लगाने का जगह है। अब 68 बस एक साथ में लग सकते हैं पार्किंग छोड़ के, लेकिन उसका एसी का टिकट नहीं मिला। हम नॉर्मली लिया है, लेकिन वो एसी का पूरा मजा आएगा उसमें, क्योंकि फैन ऑन है, सब कुछ है। और ये जो वैसा भी इनके साथ जाने वाला है हम, ये देखिए बस यहाँ का। चलिए, तब तक के लिए बस की तरफ आगे बढ़ता है, बस छोड़ने वाला है। आगे का आगे और बात होते रहेगा पूरा रात भर रुकने वाला। और फ्रेंड्स, ये हम बता देते हैं आपको, यहाँ से करीब 350 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर है, लेकिन ऐसे तो 12 घंटा लगता है जाने में। लेकिन इस रूट का कोई गारंटी नहीं है, कभी 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 तो लैंडस्लाइड भी हो जाता है, तो 2 दिन भी लग जाता है, नहीं तो 14-15 घंटा में पहुंच जाता है, नहीं तो 12 घंटा में पहुंच जाता है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। इसीलिए हम खाने के लिए पानी का बोतल लिया और बिस्किट लिया, एक केक। अगर आप लोग जाना है उस लाइन पे जा रहा है, तो आप सब भी ले लीजिएगा। और अभी ये केबिन राइड थोड़ा बाद में ही करेगा, उससे पहले आप सबको अंदर ले चलता है। चलिए अंदर में, अभी तो छोड़ दिया है बस, हम लोग मेन रोड में आ गया। ये देखिए बस का अंदर का नज़ारा इस तरह है, ये 2x1 बस है। तो हम यहाँ से 8 नंबर सीट ले लिया, पहले बोला था इस साइड में देने के लिए, हमको ये टिकट नहीं मिला, इसी का भी टिकट नहीं मिला, इनका भी नहीं मिला। चलिए, ये देखिए, ये एसी नहीं है, फिर भी कितना क्लीन है, अंदर से देखने में कैसा लग रहा है देखिए, तो मजा आ रहा है। इसीलिए हम ये आपका रन कर लिए। अभी ये पेट्रोल पंप पे आया हुआ है, ये डीजल ले रहा है, थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएगा हम लोग। ये मेरा सफारी, ये देखिए पेट्रोल पंप कितना सुंदर है, इतना दुख का गाड़ी है, लेकिन मज़ा आ रहा है। और फ्रेंड्स, अभी तो हम लोग मेघालय में एंट्री हो ही गया है। और यहाँ का जो रोड है, ये 1x1 है, लेकिन वहाँ 1x है सब। सामने जाने से आपका शिलंग जब रास्ता क्रॉस करेगा, बाईपास में गिर जाएगा, तो ये 2x1 ही है, दो सिंगल लाइज है और ये तो डबल रोड है। ये देखिए, ये सबसे मजा आता है दिन में, जब अगर शिलोंग जा रहा है वा वहाँ से आ रहा है, तो रोड देख के। ये देखिए पायलट है, हाय बोल रहे हैं आप सबको, बहुत अच्छा आदमी है, इसीलिए हमको ये केबिन राइड करने भी दिया, नहीं तो हॉट जगह में हर कोई देता नहीं है केबिन राइड करने के लिए। ये देखिए आपको रास्ता का नज़ारा, ये अभी आ गया हम लोग टूल गेट में है, मेघालय का फर्स्ट टूल गेट है गुवाहाटी से जाने की। फ्रेंड्स, सुना है यहाँ का रास्ता जो है बहुत खतरनाक रास्ता है। चलिए, अभी ये मेघालय शिलांग बाईपास में ढाबा पे गाड़ी लगाया है। और फ्रेंड्स, ये देखिए ढाबा का अंदर का नजारा कुछ इस तरह है, लेकिन फिर भी बहुत मजा आ रहा है देखने में, बहुत सुंदर है। खाना कैसा देगा पता नहीं है। और हम अभी एक वेज का ऑर्डर दिया है, क्योंकि बाहर में जाने से हमको नॉन वेज नहीं खाता है, ज़्यादातर वेज ही खाता है। ये खाना है,
ये ले लिया मैंने चावल, पापड़ दिया, सब्जी दिया, दाल दिया, भाजी दिया और एक चटनी दिया। देखिए ये वेज का खाना है, ये डाले, ये आपका सब्जी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, खाना खा लेता है, बाद में बोलेगा खाना कैसा था। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए थोड़ा। फ्रेंड्स खाना तो खा लिया, लेकिन उतना अच्छा नहीं था खाना। क्या लाइन होटल का खाना है, ढाबा का क्या अच्छा रहेगा, कुछ मिलता भी नहीं है, तो भी ले लिया। और फ्रेंड्स ये रात में तो रास्ता सुन रहा बहुत सारा खराब है, फिर भी जितना हो सके हम आप सबको दिखाएगा। कल जाते जाते कितना बजेगा ये भगवान जानता है, हम खुद नहीं जानते। इस होटल का बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा ही है, देखने में अच्छा ही है। देखिए इस तरह है होटल का बाहर का नज़ारा, देख लिया। और चलिए आगे, ये देखिए रास्ता शुरू हो गया, बहुत ही खतरनाक रास्ते से। ये रास्ता जब से हम सुना है खराब है, हमको पायलट बोला है, तब से हम अंदर गया ही नहीं है सोने के लिए, बाहर में ही है। तो सोचा आप सबको जितना हो सके हम देखा पाए, क्योंकि अगर आप लोग ये देखिए कितना फॉग गिरा है, दिखाई दे रहा होगा शायद आप लोग को, जितना हो सके हम आप सबको देखा पाए। अगर कभी आप सब आया तो थोड़ा सावधानी से आना चाहिए, और आप तो यहाँ आने से पहले कुछ खाने का जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो दिकदारी हो सकता है। कहाँ कभी भी कहाँ कहीं पे भी आप रुक सकते हैं, जाम में फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये देखिए रोड, रोड का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है, कोई बोल नहीं पाएगा। जैसे अभी घर से निकल रहे हैं आधा घंटा पहले, सुना है पूरा रोड ठीक है, लेकिन 10 मिनट में हो जाता है, इस तरह होता है। यहाँ रोड का कोई गारंटी नहीं। ये देखिए ये रोड तो ऐसा है, इसमें गाड़ी जो है ये गड्ढा में चल रहा है ना, ये गाड़ी गड्ढा में चल रहा है ना, गड्ढा गाड़ी में चल रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। ये देखिए ना तालाब बन गया है पानी से, ये कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है। इसमें खेती करने के लिए आपको जमीन का मतलब जरूरी नहीं है, अब रोड पे भी कर सकता है, कोई आपको ट्रैक्टर भी नहीं चाहिए, ऐसे ही मतलब मटी नरम हो गया है यहाँ पर। ये हो गया मेघालय का नजारा। और फ्रेंड्स ये जो रोड है, ये रोड आपका मेघालय तो हो ही गया, त्रिपुरा, असम का आपका कछड़ और मिजोरम, मिजोरम का हो गया, बांग्लादेश बॉर्डर तक ये रोड में जाता, ये लाइफ लाइन हो गया ये उस साइड का पूरा। फिर भी ये रोड का ये हाल है, शायद ही ऐसे कोई भी स्टेट में है जो इसका जैसा मतलब ये रोड का जैसा बना हुआ, आज का डेट में तो होगा नहीं। ये एक टूल गेट था, लेकिन ये पैसा उठाता है ठीक, लेकिन रास्ता नहीं बनाता है, इसीलिए यहाँ का पब्लिक इसको बंद करा दिया। और ये देखिए ये जो हम बोला था ना लैंडस्लाइड होता है, ये देखिए सामने में ये रोड फिर भी एक साइड से खुला हुआ है, ये देखिए पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, ये देखिए देख लिया, इसी तरह होता है। गैसल में तो ये है, ये यहाँ पे इस तरह हुआ था, रोड पूरा टूट के नीचे चला गया था, तो आपका सप्ताह भर यहाँ पूरा जाम लगा हुआ था, बहुत सारा आदमी फंसा हुआ था, ट्रक फंसा हुआ था, बाद में ठीक किया, अभी फिर स्टार्ट हुआ है। ये देखिए रास्ता का, फ्रेंड्स हम सोया नहीं है इसी कारण आप सबको ये रास्ता का ये नज़ारा दिखा पाओ। ये देखिए अगर आप लोग सोच रहे हैं जो छोटा गाड़ी लेके आएगा इस लाइन पे जाएगा वो के, एकदम खबरदार आप लोग मत जाइएगा अभी अभी का टाइम पे। ये देखिए पूरा पानी का पूरा तालाब बना हुआ है, ये देखिए इधर पूरा पानी में चल रहा है गाड़ी, तो छोटा गाड़ी लेके मत आइएगा अगर इस लाइन पे अगर आप लोग आया नहीं है। अगर इस लाइन का ड्राइवर है
तो आ सकते हैं ये लोग, तो ये लोग को जानकारी रहता है तो किधर से जाने से क्या सेफ होगा कि नहीं होगा। लेकिन जामू होने से छोटा गाड़ी से ज्यादातर आदमी इस लाइन में जाता है। ये देखिए रास्ता क्या नजारा है, देख लिया। यहाँ मेघालय का सिर्फ कोयला का और पत्थर खींचने का जो ट्रक होता है ना, डंपर बोलता है, यहाँ से बांग्लादेश कोयला पत्थर बेचता है। तो वही ये कोयला और ये पत्थर का जो डंपर है, ये सब के लिए ये रोड है सब। चलिए आ गया अपना असम पे, और ये असम का रोड है, अभी घुसने वाला है, घुसा नहीं है। गाड़ी में डर लग रहा है, कितना दिखाई दे रहा है आपको ये नज़ारा, देखिए मेघालय का नेशनल हाईवे का। ये बारिश नहीं है बोल के तो हम लोग फिर भी चला जा रहा है, अगर बारिश होता है तो यहाँ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो ट्रक बोला था हम, ये देखिए ये कोयला का और पत्थर का ट्रक है, डंपर सब यही सब ही खराब करके रखता है ये रास्ता पूरा रोड। यहाँ पे हर दिन एक टू ना एक टू गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और लंबा लंबा जाम लगा हुआ रहता है, कम से कम 20 से 26 घंटा, 25 घंटा, 30 घंटा तक ये रोड पे आदमी सब परेशान होते रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो में अगर कोई नया फ्रेंड्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा जरूर, जो और घंटी बजा दीजिएगा जो ओल्ड वीडियो आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वीडियो का ये कमेंट करके बोल दीजिएगा, जो अगला वीडियो में उसको और भी हम अपना काम को आगे बढ़ पाए, जो अच्छा बना पाए। इस कारण आप लोग को कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा लगे भी फिर भी कीजिए और ख़राब लगे फिर भी कीजिए, तो हम जाके ये वीडियो में सुधर पाएगा। और ये देखिए ये अभी हम लोग आ गया पूरा अपना आसाम में घुस गए। फिर और ये यहाँ पे आपका ट्रक का लाइन आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रक का लाइन यहाँ पे एक पुलिस चेकिंग पड़ता है, मतलब कोई चेकिंग वेकिंग नहीं है, ये सब सिर्फ खाने के लिए है, सबको तो पता ही चल गया होगा। और यहाँ पे जाम लगा के आदमी को पूरा परेशान करके रखते हैं। ये हम लोग का पायलट जी सोच रहा है अभी किधर से ले जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको, कहां से ले जाएगा क्या नहीं है। पूरा बॉडी में लग जाता है इतना बड़ा बड़ा करता है। और फ्रेंड्स ये देखिए टी बगान, असम का टी बगान देख के कुछ मजा ही आता है ना। ये देखिए टी बगान, देख लिया टी बगान। हाँ ये देखिए, अरे मेघालय में और बहुत कुछ देखा पाता रहा, लेकिन
रात का टाइम है ना, रात में तो कुछ देखा नहीं पाएगा और कुछ देख नहीं पाएगा, लेकिन हम बनाएगा वीडियो आप सबके लिए, मेघालय का दिन का नज़ारा पूरा देखेगा आपको। और फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गया बदरपुर घाट में, ये हो गया घाट, ये ब्रिज है बदरपुर घाट जो बोलता है घाट का, ये ब्रिज होगी, ये पूरा नज़ारा। और आपका बामा तरफ में इस तरफ चला गया सिलचर आइजोल का जाने का रास्ता, और ये हो गया बदरपुर टाउन में, ये अभी बदरपुर टाउन में हम लोग घुस गया, ये बदरपुर हो गया। और यहाँ से जो घाट जो बोला था घाट का, यहाँ से आपका बदरपुर, यहाँ से चला जाएगा आपका हैलाकंदी सिलचर आइजोल उस रास्ते। और ये जो दोनों पायलट है इनके लिए हम ये वीडियो बना पाया है BSF के लिए। तो फ्रेंड्स आज का रोड मैप हो गया गुवाहाटी टू चुराबट, चुराबट से आपका शिलांग बाईपास, शिलांग बाईपास से लाटमबाई सोनापुर, बदरपुर से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं हम अभी आ गया है, अभी बस से उतर गया है, 7:30 बज रहा है, तो अभी जाने के लिए यहाँ से रिक्शा पकड़ेगा और घर चला जाएगा, तो चलता है अभी। और ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा जो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिले। तो के लिए रखता है नया वीडियो में फिर से मिलेगा, चलता है। तो फ्रेंड्स अभी मेरा एक दोस्त को मिल गया यहाँ पे, वो गाड़ी लेके आया था, एयरपोर्ट गया था, तो हमको यहाँ से रिसीव कर लिया है, जा रहा है, चलो हाय। ये देखिए मेरा दोस्त तपन, ये तपन है मेरा दोस्त, और ये हो गया आपका करीमगंज टाउन, टाउन का अंदर में हम लोग सिटी में, सिटी तो बोलता नहीं है, टाउन ही बोलता है।